मैं बस दो या तीन चीज ही बोलना चाहूंगा कि जब से राजनीति में आया हूं गाली बहुत मिला है, लेकिन मेरे अंदर एक सोच है, एक थिंकिंग है कि हम अपने बच्चे को, अपने महिला को, पुरुष को एक अच्छा भविष्य दें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करे और अपना जिंदगी अपने सोच में, अपने हक में काम करे। तो जब ये स्कीम का बात हुआ था तो हमें लगा कि हम अपने लोगों को एक एवेन्यू दे, एक जरिया दे जहां से वो अपना भविष्य खुद बना सके। आज मैं महेंद्र एंड महेंद्रा को थैंक यू बोलना चाहता हूं, हमारे जो त्रिपुरा में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। सौरभ, आई वुड लाइक टू थैंक यू एज वेल, यू बीन सो वंडरफुल। द एंटायर टीम सुमन, आई नीड नॉट से दैट, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आपने सिर्फ मेरा हाथेदारी नहीं किया, आपने वो गरीब जो हमारे गांव से महिला आई उनको भी वैसी वही खाना दिया जो आपने मुझे दिया, वही रहने का जगह दिया जो मेरे लिए किया, ये बहुत बड़ा चीज है। और आप लोग जो पीछे में बैठे हैं, पीछे में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा। बुबागरा आपको प्यार करता है, अभी लव यू, लेकिन आपको भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और आज एक व्यक्ति है जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए, श्री आनंद महेंद्र। आज से एक साल पहले मैं उनसे मिला था मुंबई में विद कॉन्राड सांगमा। उस समय उन्होंने कहा था कि प्रद्योत कुछ करे त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में कुछ करना है। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे हरिद्वार में है, उत्तराखंड में है, हम लोग वी आर मतलब कि इट्स अ ग्रीन प्लेस, हमारा एयर बहुत प्योर है, हमारा थिंकिंग भी बहुत प्योर है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर कनेक्टिविटी के साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत प्रॉब्लम है, और अगर आज हम ई व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं, आज ट्रियो दिया है, कल शायद कुछ और दे, फोर व्हीलर्स दे, तो क्या होगा कि ये जो डेली खर्चा है आपका डीजल का, पेट्रोल का, वो आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको एक जरिया मिलेगा कि आपकी आमदनी भी बढ़े, आप अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में भेजें, आप अपने परिवार को भी देखें, और आपका भविष्य आपके जैसे पूर्वजों का था वैसा नहीं, एक अच्छा कल में। मैं आज हमने आपको ऑटोज दिया है, कल मैं आपको हमारे जो किसान है जो गांव से मार्केट आते आते तक उनका अनाज खराब हो जाता है, जो गांव से अगरतला आता है और रात के 6-7 बजे उनको अपना सब्जी हो, फल हो, मतलब कि ऐसी फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो बनेगा उनको भी कि वो अपना आमदनी को बढ़ाए। यहां में और एक चीज है जो बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन त्रिपुरा में पानी की कमी है। अगर हम फोर व्हीलर्स को, ईवीज को, अगर हम इसको टैंकर्स बनाकर, छोटे छोटे टैंकर्स बनाकर अगर हर गांव में पहुंचा दे, स्पेशली गोमती डिस्ट्रिक्ट हो, ढलाई डिस्ट्रिक्ट हो, साउथ में हो, जहां में पानी का, नॉर्थ हो, जहां में पानी का बहुत समस्या है, तो वो भी एक अच्छा जरिया हो सकता है कि हम अपने गांव गांव में एटलीस्ट जो हम लोग शहरों में बर्बाद करते हैं टैप को खोलकर, आज पीने का पानी का समस्या है, उसको भी हम इसका एक सुविधा दे सकते हैं। तो बहुत चीज है जिसमें हम अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को, अपने दोहा को, अपने देश के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। और इसको सिर्फ अगर आप पार्टी या पॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे तो आप सिर्फ एक पार्टी जीतता है, लेकिन अगर आप अपने कम्युनिटी, अपने ट्राइब्स, अपने जाति को देखकर आप करेंगे, तो पार्टी कल रहे या ना रहे, झंडा कल रहे या ना रहे, चिन्ह कल रहे या ना रहे,
अगर आपका बच्चे का भविष्य कल है तो हमारा जाति भी कल रहेगा, हमारा देश भी कल रहेगा। मैं ये दिल से बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें कोई इलेक्शन नहीं है, आगे कहीं में चुनाव नहीं है, लेकिन मेरा असली टेस्ट चुनाव नहीं होता है। मेरा असली टेस्ट होता है जब मैं एक गरीब यूथ या महिला के को मुस्कुराट के स्माइल, आई सी ऑल स्माइलिंग, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां मैं, अगर महाराजा ने भी कोशिश किया तो महेंद्र एंड महेंद्र ने जो आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, इसको हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसमें EDC हो, हमारे ऑफिसर्स हो, हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। मुश्किल काम था, बहुत लोगों ने कहा कि होगा नहीं, लेकिन हमने कर दिया। और इसमें ग्रामीण बैंक को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और भविष्य में हमने पार्ट सब्सिडी दिया है, शायद और सब्सिडी दे, और चार्जिंग पॉइंट्स बनाए। हमारे जो EMs हैं, MDCs हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका पेट्रोल का खर्च जो इतना जाता है हर महीना, लाख लाख में जाता है, अगर हम उसको EV पे कन्वर्ट करते तो वही पैसा से हम रास्ता बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, मरीज को जो पेशेंट से उनका दवाई दे सकते हैं। तो हमको भी अपना एक्सपेंडिचर को कम करना है, और वही पैसा जो हम बचाएंगे उसको हमें पब्लिक सर्विस में लगाना है। ये महाराजा का थिंकिंग है, मेरा सोच है, लेकिन मैं वहीं तक जा सकता हूं जब तक आप मेरा बात मान। तो ताली दो हाथ से बजती है। आज मैंने शुरुआत किया लेकिन अंत महेंद्र एंड महेंद्र ने किया है। लेकिन असली चैलेंज हमें करना है, हमको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। वी हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू हेल्प आवर पीपल, वी हैव टू बिल्ड अ कंट्री, एंड इफ यू हैव टू बिल्ड अ कंट्री वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू लुक एट थिंग्स विद अ आई ऑफ सॉल्यूशन, नॉट बाय ओपोजिंग इट, बाय रेजिस्टिंग इट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। और अंत में, ये EVs आज तो चल रहा है, लेकिन जो पोल्यूशन को रोक रहा है ये हमारे बच्चे लोगों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, अगर उनको सांस लेने के लिए एक अच्छा ऑक्सीजन मिले, हमारा ग्रीनरी कायम रहे, तो ये हम अमानत सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे लोगों को भी छोड़ देते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। आई थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन्वाइटेड मी। आई हैव नॉट कम हियर एज हिज हाइनेस एज यू बीन रेफरिंग टू मी, आई हैव कम हियर In our language, there is a word called Tiprasa. I have come here as a Tiprasa to help my Tiprasa people. And when you do leave, please Google Tripura and understand about our people. I think one day I would like to invite all of you to our state and host you in the same way you have hosted me, with open heart. Belaino Hambai, thank you so much.